क्या बोलना चाहते हैं? इधर कैमरा मैन, तो आप यहाँ पे देख पा रहे जो हमारे वीडियो के जो अभी शुरुआती में जो क्लिप आप देखें, एक मस्जिद का, वहाँ पे एक मस्जिद निकला है जो कि बिहार के गांव में रजौली गांव में पड़ता है, जो कि वो मस्जिद 70 साल पुराना है और पानी में एनी टाइम डूबा रहा। ठीक है, तो मैं उसका रिव्यू करने आया हूँ और आपको दिखाऊंगा कि वो मस्जिद अभी कैसा दिखता है। ठीक है, 70 साल पुराना मस्जिद। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको इस मस्जिद के बारे में कुछ बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ नज़ारा है आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे ये डैम का नज़ारा है। ठीक है, एक डैम में था मस्जिद, मतलब कुछ डैम बन रहे थे वहाँ पे, तो उसको मतलब गांव खाली कराने मतलब खाली करा दिया गया था। तो आप देख पा रहे हैं पूरा आपको ओपन एरिया दिख रहा होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा मैं जानकारी दे देता हूँ आपको मैं इस मस्जिद के बारे में, उसके बाद मैं आपको मस्जिद के अंदर और मस्जिद के चारों ओर सभी एरिया को दिखाऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो, सबसे पहले एक बिहार का गांव है। ठीक है, बिहार का गांव है रजौली। ठीक है, रजौली, और दोस्तों इसका जो डिस्ट्रिक्ट सुनने में आ रहा है, मैं लोगों से मतलब पूछा हूँ कि ये मस्जिद कितने साल पुराना, तो लोग बता रहे कि 600 साल पुराना है, 70 साल यहाँ पे बता रहे कि 70 साल से पहले एक गांव हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे जो कि डैम बना रहे थे, वहाँ पे डैम बनाने के मतलब निर्माण में वहाँ पे उस गांव को खाली करा दिया गया था, और उस गांव को खाली कराने के बाद डैम जो है वहाँ पे बना दिया गया था, उसके हिसाब से एक मस्जिद भी था जो कि मस्जिद को वैसा ही छोड़ दिया था। ठीक है, तो आज वो मस्जिद दोस्तों निकल चुका है दोस्तों, जो कि पानी पूरा सूख चुका है। पानी सूखने के बाद पूरा यहाँ पे आपको मस्जिद दिख रहा है, मैं आपको मस्जिद में अंदर जाके दिखाऊंगा, बाहर भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप जरूर देखने बने हुए यहाँ पे जा रहे लोग, तो अभी अंदर जाके मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है आपको, मतलब रजौली हल्दिया डैम का। ठीक है, ये पूरा आपको जो एरिया दिख रहा है पूरा रजौली हल्दिया डैम का ही है, और यहाँ पे पूरा आपको मैं आपको व्यूज़ भी दिखाऊंगा पूरा मस्जिद के अंदर भी जाके अभी फिलहाल दिया। तो देख पा रहे यहाँ पर अभी हम मस्जिद के पास आ चुके हैं। यहाँ पे अब लोग से पूछना चाहेंगे हम यहाँ पे कि कितना साल पुराना है। ठीक है, लोग बता रहे 300 साल, कोई बता रहे 600 साल, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों से आगे मैं जाऊँगा और पूछूंगा कि कितना साल पुराना है, इसका क्या माजरा है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे मैं मस्जिद का अंदर भी जाऊँगा और चारों एरिया तरफ के भी दिखाऊँगा। ठीक है, आपको चलो कैमरा मैन आगे बढ़ो, यहाँ पे देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे देख पा रहे बहुत सा भीड़ यहाँ पे पड़े हुए, पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको ये पूरा रजौली डैम का है। ठीक है, यहाँ पे अभी पूरा पानी खाली दिख रहा है आपको, पूरा पानी खाली दिख रहा है यहाँ पे भरने के बाद, ये मस्जिद जो नज़र आ रहा है आपको पूरा फुल हो जाता है। ठीक है, ये सिर्फ जो झंडा नज़र आ रहा है उसका छोटा सा नीचे से बस नज़र आता है, बाकी जो पूरा रहता है पानी से भरा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोगों से पूछेंगे क्या कहना चाहते हैं इस मस्जिद के बारे में। हम मस्जिद के पास पहुँच चुके हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये मेन गेट है, ठीक है, मस्जिद का। अब दोस्तों यही मस्जिद मतलब 70 साल पुराना बताया जा रहा है और पानी में पूरा डूबा हुआ रहता था। ठीक है, अब इसके अंदर का नज़र मैं आपको दिखाऊंगा और पब्लिक से भी पूछूंगा कि इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आगे आ जाओ, रेडी। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हम जो मेन गेट होता है मस्जिद का, शायद ये मेन गेट ही होगा मेरे मिस्से मस्जिद का। और दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पे अगरबत्ती भी जलना स्टार्ट हो चुके हैं, देख पा रहे अगरबत्ती भी जलना यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जो औरतें लोग हैं थोड़ा सा मतलब अंदर जाते हैं, इस्लामिक तौर पे जाते हैं, यहाँ पर अगरबत्ती तुरंत जला दिए हैं, देख पा रहे आप यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे चबूतरा शायद मेरे मिस्से लग रहा है, यहाँ पे मेन ही गेट इसका होगा। ठीक है, और यहाँ पे शायद मेरे मिस्से ये मीनार होगा, जो मेन गेट का जो मीनार होता है आगे का, वही है मेरे मिस्से। अब मैं अंदर जाऊंगा और देखता हूं पब्लिक लोग से भी पूछता हूं कि इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो देख पा रहे यहां पे मैं मस्जिद के पास गेट के पास आ चुका हूं, अब मैं कुछ पब्लिक लोग से पूछना चाहता हूं आप इस मस्जिद के बारे में क्या बोलना चाहते हैं। इधर कैमरा मैन, कैमरा पीछे, हाँ बोलिए। शुक्र है कि मस्जिद कायम रही इतना दिन से, और इंशाल्लाह हमको बहुत खुशी आई है ये मस्जिद सुन करके, कि हमको बहुत खुश, इसलिए मैं जानपुर से आया हूँ यहाँ। अच्छा अच्छा, जानपुर सफी डोड़ा कुला। अच्छा, वहाँ से लोग कह रहे हैं कि ये मस्जिद जो है 600 साल पुराना है, तो आप क्या कहते हैं कि कितना साल पुराना हो सकता है ये मस्जिद? ये लगता है और ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 30 साल है, कोई बोल रहे हैं कि 70 साल है, कोई बोल रहे हैं कि 600 साल। आप इसका अंदाजा हम लोग लगा नहीं सकते, अल्लाह पाक जाने। तो आपका अनुमान से कितना साल होना चाहिए इसका? लगता है हमरा कि 50-60 साल। 600 साल। हाँ। तो देख पा रहे यहाँ पे पब्लिक भी बोल रहे हैं कि 600 साल ये पुराना मस्जिद है, लोग बोल रहे हैं कि 70 साल, लेकिन 600 साल है। मैं आपको बोला ना कि मैं पब्लिक से पूछ के ही बताऊंगा कि ये कितना साल है, और भी पब्लिक से मैं पूछता हूँ कि ये क्या कहना चाहता है। ये चीज आप क्या बताइए, मिल चुके हैं, और आइए अंदर आते हैं, देखते हैं कि अंदर के क्या नजर है। फिलहाल बहुत यहाँ कादा हो चुके हैं। तो ये हमारे भाई है, ठीक है, इससे कुछ पूछना चाहूँगा कि भाई आप इस मस्जिद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस मस्जिद के बारे में देखकर बहुत खूबसूरत मालूम हुई है, 30 साल पुराने मस्जिद को देखने हम लोग आए हुए हैं मुरैना से। आप मुरैना से आए हुए हैं? जी भाई जान। अच्छा, आप बताइए भैया आप कहाँ से हैं, आप नहीं आना चाहते हैं?
अच्छा, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मस्जिद जो है यहाँ पे मतलब अंदर चादर भी लगा चुके हैं और यहाँ पे जो भी अगरबत्ती वगैरह होते हैं और पैसा वगैरह सभी चीज़ यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं मस्जिद का जो पुराना एकदम है ये ईटा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। और ऊपर का थोड़ा दिखा दो यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं अभी तक मस्जिद जो है दोस्तों वैसा ही के वैसा ही है, कुछ भी अभी तक नहीं हुआ, जो कि इतना पानी में मतलब 70 साल, कोई 600 साल बता रहे हैं, मान लो 70 साल ही, मतलब 70 साल कम नहीं होता है। तो देख पा रहे 70 साल मतलब पानी में रहने के बाद भी ये मस्जिद का कुछ भी नहीं। बैक साइड से कि बैक साइड कैसा पोजिशन है और मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे शायद मेरे उम्मीद से जो यहाँ पे इमाम साहब बैठते थे नमाज पढ़ाने के लिए, शायद मेरे उम्मीद से वही है, ठीक है। तो देख पा रहे यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, सिर्फ जो दीवाले होते वो फट चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वैसा ही कि वैसा ही है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे और भी यहाँ पे क्या है, और देख पा रहे हैं यहाँ पे भी दोस्तों बनाया गया है, ठीक है, जो इमाम से बैठते थे दोस्तों वहीं पे बैठते थे। अब मैं पीछे की साइड दिखाता हूँ आपको पीछे की साइड कैसे नज़ारा है। फिलहाल यहाँ पे कादा वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो फिलहाल तो रहेगा ही, अब मैं देखता हूँ पीछे से क्या इसका दिख रहा है। तो कादा में दोस्तों यहाँ पे डूब के वीडियो बनाने पड़ रहा है आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग बोलते हो यार वीडियो बनाओ, तो दोस्तों मैं सोचा आपके लिए वायरल वीडियो मतलब लेके आऊँ, ठीक है। बहुत दिन से सोच रहा हूँ, तो मैं एक बार आया था तो लेकिन हमको मतलब भेज दिया गया तो वापस कि आगे काम चल रहा है, रोड पर आप आगे नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग फिर वापस चले गए थे, तो देख पा रहे यहाँ पे कुछ ऐसे है। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि नीचे जाऊँ या नहीं जाऊँ, पानी मेरे मुझसे ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम है, मैं आपको सारा दिखाऊँगा, ठीक है। और देख पा रहे हैं आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, हमारे भाई हमारे साथ आ जाओ भाई, ये हमारे भाई साथ में है, ठीक है। और भी वीडियो में दिखाऊंगा आपको चारों टाइप से, बहुत अच्छा, दूर से दिखाऊंगा। अब भाई क्या बोलना चाहेंगे, 70 साल का है मस्जिद बना हुआ है, इसके लिए हम लोग बहुत दूर से आए देखने के, ठीक है, बहुत खुशी का बात है, बहुत खुशी का बात है। आप कहाँ से आए हैं भैया? प्रतापपुर, प्रतापपुर से भैया, देख पा रहे इतना दूर से आए हैं मतलब मस्जिद देखने के लिए। हाँ, अभी मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे पानी ज्यादा है, डूब जाऊंगा मैं थोड़ा, तो मैं मेरा पैंट जो है गिल्ला हो जाएगा। मैं आपको पीछे से जाके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मस्जिद का जो जो पीछे साइड होता है वहाँ पे हम आ चुके हैं। अब आपको पीछे साइड से भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि मस्जिद कैसा दिख रहा है। तो देख पा रहे यहाँ पे आप पूरा दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। लोग कहते थे कि यहाँ पे बहुत साल पहले की मतलब मस्जिद जो होते थे, मतलब यहाँ पे एक डैम निर्माण कर मतलब किया जा रहा था, तो यहाँ पे गांव होया करता था, तो उस गांव को खाली करा दिया गया, इसलिए कि यहाँ पे डैम मतलब निर्माण होगा, तो मस्जिद को वैसा ही छोड़ दिया गया था यहाँ पे। तो वही मस्जिद जो होता है दोस्तों यहाँ पे वैसा ही को वैसा ही है दोस्तों। लोग जो कहते थे ना कि मतलब एक गाँव है रजौली में वो डूब चुका है हल्दिया डैम में, तो वही सच डूबा नहीं था, मतलब गाँव खाली करा दिया गया था यहाँ पे। तो वही मस्जिद दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा दिख रहा है। तो पहले क्या होता था, मस्जिद जो दिख रहा है आपको, मीनार मतलब दिख रहा, वो पूरा पानी से भरा हुआ रहता था, मतलब छोटा सा जरा सा नज़र आता था बस उसका गुम्बद। तो दोस्तों पूरा सोच पा रहे पानी मतलब कितना ऊपर होता था, फिर भी ये मस्जिद वैसे ही सारे मतलब भीड़ आ रहे हैं यहाँ पे, कम से कम हज़ारों प्लस तादाद में मतलब आदमी यहाँ पे थे, लेकिन कुछ लोग चले गए हैं और कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे, तो यहाँ पे भीड़ आपको पता नहीं चल रहा है। तो देख पा रहे यहाँ पे कुछ ऐसा पीछे के नज़ारे में आपको लेफ्ट राइट सारा तरफ के नज़ारा दिखाऊंगा, मैं ऊपर का भी नज़ारा आपको दिखा दिया हूँ कैसा है ड्रोन के हिसाब से, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को जितना हो सके ग्रुप में व्हाट्सएप में जरूर। तो दोस्तों देख पा रहे हैं मैं आपको सारा एरिया का मैं दिखा दिया हूँ, मतलब आगे पीछे लेफ्ट राइट जितना भी होता है सारा एरिया मैं दिखा चुका हूँ आपको। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका मैं पीछे से थोड़ा वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको कैसा लगा ये मस्जिद, ठीक है, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि ये मस्जिद जो ऐसा मतलब गंदा हो रहा है हमारे डैम में, आइए थोड़ा चाचा कुछ पूछना चाहते हैं, ये जो बता रहे हैं कि ये, हाँ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो मस्जिद है, हाँ। इधर आ जाइए थोड़ा, आप टेंशन नहीं लीजिए। नहीं टेंशन थोड़ी लेंगे, हाँ टेंशन हम कभी नहीं लेते हैं। तो देखिए मैं बोलना चाह रहा हूँ ये जो मस्जिद है, हाँ। डैम के गंदा पानी से गंदा हो रहे हैं, तो हम सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि मस्जिद को शहीद करके जो भी रजौली के गाँव में मुसलमान नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, जिसका घर दूर है मस्जिद से, इसको शहीद करके वहाँ पे एक मस्जिद बना दिया गया। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, ये सही है या गलत है? नहीं सही है, सही है, हाँ इसको देना है सरकार को और नीतीश कुमार को, हाँ ये तो जरूरी है, यही तो मस्जिद है ना, यही मस्जिद जो चालू कर दिया जाए या तो दूसरे जगह हमको जगह दिया जाए। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे पब्लिक क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हाँ तो देख पा रहे हैं पब्लिक क्या बता रही है, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद दोस्तों जो है अभी निकल चुका, पहले पूरा झपा हुआ था तो कुछ समझ में नहीं आता था, लोग कहते थे कि मस्जिद यहाँ पे डूबा हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल निकल चुके हैं यहाँ पे मैं कहना, और कुछ यहाँ पे घर चुके, तो देख पा रहे पीछे भी भीड़ आ रहा है यहाँ पे सभी तरीका से, ज़्यादातर जितना बहुत भीड़ था यहाँ पे, मैं कुछ देर पहले यहाँ पे अभी आया था,
तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हमें पब्लिक भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सारा मतलब बता चुके हैं ठीक है। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, व्हाट्सएप में ग्रुप में फैलाइए, व्हाट्सएप में फैलाइए ठीक है, जितना फैला सकते हैं ताकि हर एक मुसलमान के पास, हर एक जितने हिंदू के साथ जितना पब्लिक हो चुके बिहार के मतलब एरिया में, हर एक कोने में फैला दीजिए ठीक है, ताकि ये मस्जिद को हाँ मोदी सरकार तक भी पहुँचना चाहिए, हमारे चाचा जी कह रहे हैं। हाँ जी जी हाँ। और देखिए हमारे भाई भी यहाँ पे कुछ कहना चाहते हैं साथ मेरे मिस से, क्योंकि पीछे से कुछ जवाब दिया था, आप बताइए भैया क्या कहना चाहते हैं। इस जो मस्जिद का जो आवाज़ जो सुन रहे मोदी जी, उसका कान तक जाके गूंजना चाहिए कि इस कार्रवाई करके इसको उठा के एक जगह सेटल कर दिया जाए, मस्जिद मस्जिद को ओपन करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, और भी आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।